नमस्ते इंडिया मैं हूँ शालिनी और आप सभी का स्वागत है शालिनी किचन में आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ साजन की रेसिपी ओह सॉरी सॉरी माफ़ करिएगा सहजन की रेसिपी जिसे हम ड्रम स्टिक सहजन मुनगा सेंगा और भी कई नाम से जानते हैं मुझे तो बस इतना ही पता है सहजन में बहुत ही अधिक मात्रा में कैल्शियम, आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे हड्डियों के लिए जोड़ों के दर्द के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है तो आज मेरे इस नए तरीके से जब आप सहजन बनाएंगे तो बड़े बूढ़े तो खाएंगे ही साथ में बच्चे भी इसे खूब खाना पसंद करेंगे किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं सहजन की रेसिपी लेकर आऊं तो मैं अपना सहजन कैसे बनाती हूं वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं तो देखिए सहजन को ना आप दो तरह से खा सकते हैं ये जो एक मोटा वाला है इसको चूस चूस के खाने में काफ़ी मज़ा आता है जिसे गांव की भाषा में कहते हैं ना मोटा गलबा गदा गलबा और ये जो दूसरा वाला है ना एकदम सॉफ्ट रहता है नरम नरम रहता है जिसे हम बतिया बोलते हैं और इंग्लिश में इसको आप बेबी ड्रम स्टिक भी बोल सकते हैं इसका जो फाइबर है ना वो बहुत ही नरम होता है आप इसको ईजिली चबा के खा सकते हैं लेकिन ये समय ना गदैल के मिली ही खाए के बतिया वाला सीज़न ख़त्म हो गई वैसे मैं खाली मोट मोट बा पेड़े पे अब हमें सहजन को मीडियम साइज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है तो काटने के बाद अब हम इसे छीलेंगे तो छीलने के लिए या तो आपके पास नाखून वाले छोटे मोटे हथियार हो तो उससे भी आप छील सकते हैं या फिर आप चाकू का हेल्प ले सकते हैं तो मुझे क्या है ना मैं तो अपने नाखून से ही ज़्यादा कम्फर्टेबल रहती हूँ जल्दी जल्दी फटाफट छील लेती हूँ वो तो सहजन को पूरी तरह से एकदम से मत छील लीजिएगा उसका थोड़ा बहुत छिलका रहने दीजिएगा नहीं तो वो बाद में बनाते टाइम ना ऐसे बिखर जाएगा पूरा सब्जी में तो यहाँ मैंने दो सौ ग्राम के आसपास सहजन लिया है और दो से तीन मीडियम साइज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ आलू लिया है अब हम इसका बहुत ही मज़ेदार मसाला तैयार करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो टेबल स्पून लहसुन लिया है तीन हरी मिर्च लिया है दो चम्मच यहाँ सरसों लिया है तो सरसों जो बड़े दाने वाले होते हैं ना वो लेना है छोटा वाला राई जो आता है ना वो नहीं लेना है एक इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे आप चाहें तो इसे ग्राइंडर जार मिक्सर में भी पीस सकते हैं लेकिन मैं अपना सरसों का मसाला पीसती हूँ अपने देसी सिलबट्टे पर तो मैं इसको दम लगा के हंसा करके अपना मसाला तैयार कर लूँगी क्योंकि मसाले और चटनी का जो असली स्वाद है ना वो तो सिलबट्टे पे ही आता है मसाले को आप किसी भी तरीके से पीसिए लेकिन उसको एकदम बारीक पीसना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसना है अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच धनिया जीरा और हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे तो इस तरह से हमारा मसाला तैयार हो जाएगा अब हम कढ़ाई में तीन से चार बड़े चम्मच तेल लेंगे तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब उसमें हम आलू को डालेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे तो गैस का फ्लेम यहाँ हमें लो टू मीडियम रखना है इस आलू को हमें दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है तो आलू दो तरीके होता है एक लाल वाला होता है और एक सफेद वाला तो सफेद वाला आलू ना जल्दी फ्राई हो जाता है और लाल वाला थोड़ा सा टाइम लेता है फ्राई होने में देखिए आलू और सहजन का जो फ्राइंग टाइम है ना वो दोनों अलग होता है आलू थोड़ा टाइम लेता है फ्राई होने में और सहजन है ना वो जल्दी फ्राई हो जाता है तो आप चाहें तो जब आलू 80 परसेंट हो जाए तब आप इसे निकाल लीजिए फिर सहजन को फ्राई करिए नहीं तो जब आलू 50 परसेंट फ्राई हो जाए तभी उसी में सहजन डाल के दोनों को साथ में भी फ्राई कर सकते हैं आप दोनों तरीके से फ्राई कर सकते हैं तो सहजन को भी हमें हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है जब ऊपर का लेयर हल्का ब्राउन हो जाएगा ना तब इसे हम निकाल लेंगे तो निकालते टाइम आलू चाहे सहजन को थोड़ा रोक के निकालिएगा जिससे इसका एक्स्ट्रा तेल है ना वो कढ़ाई में ही रह जाए अब बाकी बचे हुए तेल में हम आधी छोटी चम्मच मेथी डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे दो चीरा लगा हुआ हरा मिर्च डालेंगे जब ये तड़के अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब इसमें हम अपना पिसा हुआ मसाला डालेंगे तो मसाला डालते टाइम ध्यान दीजिएगा गैस का फ्लेम एकदम लो रखिएगा और थोड़ा धीरे से आराम से दूर से डालिएगा क्योंकि इसमें जो पानी होता है वो थोड़ा छिटकने लगता है अब मसाला वाले कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के हम सारा मसाला निकाल लेंगे अरे भाई दम लगा के मसाला पीसी हूँ तो बर्बाद क्यों करना है सारा मसाला इस्तेमाल करना है ना तो आप लोग भी फेंकीिएगा मंद मसाला अच्छे से सारा मसाला इस्तेमाल करिएगा अब इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और एकदम धीमी आंच पे ना ढक के दो से तीन मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनेंगे दो से तीन मिनट बाद जब ढक्का नटाएंगे तो मसाले में जो तेल रहता है ना तो वो तेल अलग होने लगता है मसाला जब अच्छे से भुनाता है ना तो यही उसकी पहचान होती है मसाला और तेल अलग होने लगता है तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें दो मीडियम साइज़ का पिसा हुआ टमाटर डालेंगे तो आप टमाटर को चाहे तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं जब भी सरसों का मसाला वाला कुछ भी बनाइए उसमें थोड़ा सा खटास ज़रूर होना चाहिए तो टमाटर की जगह आप चाहें तो आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे फिर इसको हम दो से तीन मिनट के लिए धीमी आँच पर अच्छे से भून लेंगे तो इस तरह से अब हमारा टमाटर और मसाला अच्छे से भुना जाएगा अब एक मिनट के लिए इसे हम ऐसे लगातार चलाते हुए खुला में भून लेंगे इस मसाला में आप सहजन के अलावा आलू बैगन टमाटर भी बना सकते हैं आप बकला की सब्जी भी बना सकते हैं और मछली भी बना सकते हैं कई लोग तो इस मसाले को मछली वाले मसाले के नाम से ही जानते हैं और इस मसाले की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि सब लोग नाक खड़ा करके यही पूछेंगे कि आज किचन में क्या बन रहा है भाई मुझे तो ये वाला मसाला बहुत ही पसंद है अब इसमें हम तीन कप पानी डालेंगे तो अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो पानी आप दो कप डालिएगा अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो आप तीन कप पानी डालिएगा अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे आप चाहे तो इस मसाला करी को उबलने के बाद आप अपनी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं इसको साथ में ही डाल दे रही हूँ ताकि जब तक हमारा मसाला उबलेगा तब तक हमारी कुछ सब्ज़ियाँ भी हो जाएंगी तो सब्जी और करी को अब अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पे आलू होने तक अच्छे से पकाएंगे या फिर आप घड़ी के टाइम से इसको आठ से दस मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने दीजिए तो आठ से दस मिनट में सब्ज़ी हमारा अच्छे से पक जाएगा इसका आलू भी अच्छे से एकदम हो जाता है और इसका करी देख लीजिए ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना बहुत ज़्यादा पतला क्योंकि जब वो ठंडा होगा ना तो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा अब हम ऐसे आलू उठा के दबा के चेक करेंगे अगर आलू हमारा हो गया होगा तो गैस हम बंद करेंगे और इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अब ढक्कन लगा के इसको पाँच मिनट के लिए छोड़ देंगे तो सब्ज़ी हमारी बन गई है और इसके साथ मैं बना रही हूँ एकदम गर्मा गर्म चावल क्योंकि ये वाली जो मसाले की सब्ज़ी होती है ना वो चावल के साथ खाने में ज़्यादा मज़ा आता है तो मैं चावल बना रही हूँ तो पाँच मिनट बाद हमारी सब्ज़ी पूरी तरह से रेडी हो गई है और ये देखिए इसका ग्रेवी देखिए कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ है ना बहुत ज़्यादा मोटा है ना बहुत ज़्यादा पतला है और चावल के साथ खाने के लिए तो एकदम परफेक्ट है तो आलू और सहजन को जब भी आप फ्राई करके बनाएंगे ना तो करी में ज़्यादा देर तक उसको पकाना नहीं पड़ता है जल्दी से बन के तैयार हो जाता है और जब फ्राई करके बनता है ना तो सब्ज़ी हमारी बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती है तो अब इसे हम सर्व करने के प्रोसेस पर चलते हैं तो इस तरीदार रसीदार सब्ज़ी को आप एकदम गरम गरम ही खाइएगा तभी ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में तो सबसे पहले मैं इसे परोस रही हूँ एकदम गांव के देसी स्टाइल में जैसे हम लोग थाली में सब कुछ एक ही बार लेके बैठ जाते हैं ना खाने के लिए कौन जाएगा दृष्टि बर्तन बर्बाद करने के लिए तो थाली में रखेंगे हम अपना गर्मा गर्म चावल और अपना सुपर टेस्टी सब्जी रखेंगे उसके ऊपर हम अपना तरी डालेंगे और साथ ही में मैं अपना खाऊंगी एकदम हरा भरा सिलबट्टे वाली लहसुन धनिया की चटपटी चटनी लग रहा है ना एकदम गाँव का देसी तरीका और इसे हाथ से उठा के खाने में ज़्यादा मजा आता है एकदम से गर्मा गर्म चावल हो रसेदार सब्ज़ी हो और साथ में हरी भरी चटनी हो तो जो खाने का मजा है ना वो तो अलग ही रहेगा तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा शहर वाले स्टाइल में भी सर्व कर ले रही हूँ तो कटोरी में मैंने रखा है एक कटोरी चावल उसके बाद मैं कटोरी में रखूँगी अपना ग्रेवी वाली सब्जी इसके ऊपर हम डालेंगे ढेर सारा ग्रेवी भाई चावल के साथ खाना है तो ग्रेवी तो होना ज़रूरी है ना और साथ ही में मैंने रखा है हरी भरी चटनी और सैलेड के नाम पे थोड़ा सा प्याज और चावल को मैं गार्निश कर रही हूँ धनिया के पत्ते से और साथ में रख देंगे एक स्पून लीजिए जी तैयार हो गया हमारा शहर वाले स्टाइल में भी तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी तरीके से सर्व करके खा सकते हैं चाहे वो देसी हो या फिर शहरी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा तरीका पसंद है मुझे तो भाई देसी तरीके से ज़्यादा पसंद आता तो यहाँ हमारे पुत्र जी बैठ गए हैं साजन की सब्जी खाने तो साजन की सब्जी इन्हीं का लैंग्वेज है साजन खा रहा है कैसा लग रहा है तो यहाँ पर मैं और मेरे पुत्र जी चावल और सब्जी का आनंद उठा रहे हैं और आप भी जल्दी से जाइए बना के खाइए तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना तो बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगा और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएँ अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा और शालिनी किचन को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा लीजिएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते टाटा बाय बाय